सिवान के एमएच नगर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के रजनपुरा से मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी परमेंद्र कुमार सिंह के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया। एसपी नवीचंद झा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी हत्या के 3 मामलों में आरोपी है और सरकारी अधिकारी को धमकाना, रंगदारी करने के मामले में भी नामजद था। जो बीकपुर भगवानपुर थाना एम एस नगर का निवासी है, 4 कांडों में वांछित था, जिसको कल रात गिरफ्तार किया गया है रजनपुरा मोड़ के पास से। ये इसके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा गोली, 2 मोबाइल और कुछ रुपए बरामद हुए हैं। ये परमेंद्र सिंह एम एस नगर थाना कांड संख्या 60-12 जो कि हत्या का केस है, इसके अलावा 61-15 ये भी हत्या का केस है और दरौंदा का 18-17 ये भी हत्या का केस है। इन तीनों कांड में फरार चल रहा था। इसके अलावा सिसवन के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जुलाई माह में उनके चैम्बर में घुस के इसने धमकी दिया था जान से मारने की और रंगदारी मांगी थी, उस कांड में भी ये वांछित था, इसको गिरफ्तार किया गया। सर, जिले में इनके ऊपर कितने मामले अब तक दर्ज होंगे? अभी तक 4 मामले दर्ज और सभी हत्या से संबंधित हैं और एक कांड रंगदारी से संबंधित। कहाँ गिरफ्तारी हुई? रजनपुरा है, कुछ इनके सहयोगी भी हैं, हम उनको भी जल्दी अरेस्ट करेंगे। जब सर गिरफ्तारी हुई तो क्या कुछ योजना इनकी थी या फिर? नहीं, हम लोग इनके पीछे लगे हुए थे क्योंकि ये फरार थे, कुख्यात अपराधी हैं और जब से इन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को धमकी दी थी उसके बाद से हम लोगों ने अपनी सक्रियता और तेज की इनके विरुद्ध, और कल उसमें सफलता मिली थानाध्यक्ष को और इन्होंने गिरफ्तार किया।